हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जो है डिस्कस द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में किस तरह से डाइवोर्स लिया जा सकेगा, उसके क्या क्या ग्राउंड्स अवेलेबल हैं हिंदू लॉ में, उसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा है, जो टेल क्वेश्चन आता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और जूम क्लासेस जो मैं लूँगी, जूम से जो मैं लेक्चर लूँगी, उसमें मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर कराऊँगी, कुछ और एडिशनल बातें बताऊँगी आज की क्लास के अलावा। तो आज हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू लॉ और डिस्कस विद द हेल्प ऑफ केस लॉज के बारे में हम आप बात करेंगे, ठीक है। तो आज पहले देख लेते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स क्या है। राइट, तो डाइवोर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि डाइवोर्स की मीनिंग क्या होती है। सेपरेट होना हस्बैंड और वाइफ का, एक दूसरे से मैरिटल ऑब्लिगेशन से निकल जाना, एक सोशल इंस्टीट्यूशन से निकल जाना, कोर्ट के थ्रू वैलिड मेथड से डाइवोर्स कहलाएगा, ठीक है। तो वो क्या क्या ग्राउंड्स अवेलेबल होने चाहिए और डाइवोर्स की और क्या मीनिंग है, क्या हम लिख सकते हैं, मैं आपको जूम में भी बताऊंगी। आज की क्लास में नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे कि डाइवोर्स क्या होता है। देख लेते हैं, पहले चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें अमेंडमेंट करके बहुत वास्ट चेंज लाया गया 1976 में डाइवोर्स के ग्राउंड्स में। पहले हम उसको देखेंगे और फिर डाइवोर्स के ग्राउंड्स को देखेंगे। तो देखते हैं, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द लॉ ऑफ डाइवोर्स बाय मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976, द फॉलोइंग मेन चेंजेस हैव बीन ब्रॉट और इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस एक्ट। जब 1976 में मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 का, उसने क्या क्या चेंजेस एक्ट में लाए डाइवोर्स से रिलेटेड, डाइवोर्स से कनेक्टेड, देखते हैं। नंबर वन में ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री हैज़ बीन मेड सिंपल एंड नाउ अ सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री मे कॉन्स्टिट्यूट अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ये सेक्शन 13(1)(1) में प्रोवाइडेड है। अडल्ट्री एज अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स तो अवेलेबल ही है एक्ट में। इसमें बताया जा रहा है 1976 के बाद अडल्ट्री को, जो है अडल्ट्री के ग्राउंड को और सिंपल बना दिया गया, और एक सिंगल एक्ट भी अगर अडल्ट्री का किया जाता है तो वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा, एक सिंगल एक्ट, ठीक है। तो इसको और सीरियस नेचर का बना दिया गया कि अगर कोई अडल्ट्री करता है तो डाइवोर्स का ग्राउंड मिल जाएगा, हस्बैंड या वाइफ किसी को भी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रुएलिटी एंड डिजर्शन। क्रुएलिटी एंड डिजर्शन पहले से ही अवेलेबल था, और इसमें चेंजेस जो लाए गए वो जो ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ओरिजिनली प्रेजेंट है, उसे भी डाइवोर्स का ग्राउंड बना दिया गया। अब पहले डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं था जुडिशियल सेपरेशन, अब जुडिशियल सेपरेशन को भी डाइवोर्स का ग्राउंड बना दिया गया। नोट्स पढ़ लेते हैं, क्रुएलिटी एंड डिजर्शन विच वर द ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन क्रुएलिटी और डिजर्शन के ग्राउंड्स पे किया जा रहा है अगर, तो इससे भी आप सेक्शन 13 डाइवोर्स का ग्राउंड मानेगी 1976 के बाद। नेक्स्ट, द मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द ग्राउंड लाइक लेप्रोसी एंड वेंडर डिजीजेज एट्सेट्रा हैज़ बीन ओमिटेड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट डाइवोर्स विदाउट ऑर्डिनेट डिले। जो लेप्रोसी और वेंडर डिजीज़ आपका था, उसमें मिनिमम पीरियड प्रोवाइडेड था, उस मिनिमम पीरियड को आप ओमिट कर दिया गया है, और जैसे ही पार्टीज़ को लेप्रोसी या वेंडर डिजीज़ के बारे में नोटिस मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो पीरियड आप फॉलो नहीं करना होगा और डाइवोर्स फाइल किया जा सकेगा। ये चेंजेस लाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द कोर्ट हैज़ बीन गिवन पावर टू एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन इन पिटिशन ऑफ डाइवोर्स टू ग्रांट एंड ऑल्टरनेटिव रिलीफ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस सेक्शन 13A। कोर्ट चाहे तो जो सेक्शन 13 में प्रोवाइडेड ग्राउंड्स हैं उनमें डाइवोर्स ना अलाउ करके कोई और ऑल्टरनेटिव रिलीफ दे सकते हैं। वो क्या ऑल्टरनेटिव रिलीफ्स हैं हम जब पढ़ेंगे क्लास लेक्चर में तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कोर्ट के डिस्क्रिशन को बढ़ा दिया गया, बिकॉज कोर्ट हमेशा इंक्लाइंड होती है इस बात पे कि डाइवोर्स ना अलाउ किया जाए जनरली, और फैमिलीज ब्रेक ना हो, बिकॉज इससे जो बच्चे हैं स्पाउसेस के वो सफ़र करेंगे। तो इसलिए कोर्ट का इंक्लाइनेशन हमेशा इस बात की तरफ होता है कि कोई मैरिज टूटने ना पाए, कोई फैमिली ब्रेक ना हो पाए, इसलिए कोर्ट चाहे तो उसके पास डिस्क्रिशन होगा अब 1976 के बाद कि वो
कोई ऑल्टरनेटिव रिलीफ भी प्रोवाइड कर सके. ठीक है. वाइटल चेंज हैज़ बीन मेड बाय प्रोवाइडिंग डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज. दस बाय दिस अमेंडमेंट द सैक्रामेंटल कैरेक्टर ऑफ हिंदू मैरिज हैज़ बीन अफेक्टेड इन अ बिग वे. The parties can get divorced by as agreement between them. Divorce by mutual consent. 1976 के बाद पहले divorce by mutual consent जैसा कोई concept, कोई भी provision introduce नहीं किया गया था हिंदू मैरिज एक्ट में. ये नया provision 1976 में add किया गया, introduce किया गया, जिसमें parties को ये discretion होगा, दोनों parties, husband और wife, दोनों parties चाहें तो म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स ले सकेंगे. और ये एक ईजीएस्ट वे होगा डाइवोर्स लेने का. इसमें किसी बात को प्रूव नहीं करना होगा, सिर्फ इतना प्रूव करना होगा कि वो दोनों पार्टी साथ नहीं रहना चाहती हैं और म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना चाहती हैं. और क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के, फर्दर हम बात करेंगे इसमें. नेक्स्ट है, द पार्टीज़ कैन नाउ ऑब्टेन डाइवोर्स बाई प्रेजेंटिंग अ पिटिशन आफ्टर वन ईयर ऑफ देयर मैरिज. एक साल का टाइम दिया गया है मैरिज होने के बाद. जैसे ही मैरिज परफॉर्म की जाती है उसके एक साल के पहले कोई भी डिवोर्स की पिटिशन फाइल अगर की जाती थी तो वो एंटरटेन की जा सकती थी. लेकिन इसमें अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है चीज़ों को और कोर्ट को अब ये डिस्क्रिप्शन दी गई है, ये पार दी गई है कि एक साल के पहले कोई भी डिवोर्स की पिटिशन कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी. अगर फाइल भी किया गया है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. तो एटलीस्ट एक साल का टाइम पीरियड बिताना होगा दो हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक साथ. अब हम बात करेंगे ग्राउंड्स. ये तो हमने देखा इन जो 1976 से जो चेंज इंट्रोड्यूस किए गए थे एक्ट में, जो चेंजमेंट लाया गया था एक्ट में, उसके बारे में हमने देखा था. ठीक है, अब हम ग्राउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिवोर्स के क्या क्या बेसिकली ग्राउंड्स अवेलेबल हैं. सेक्शन 13 ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स प्रोवाइड करता है, जो दो सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक ऐसा ग्राउंड है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल है, जिसमें हम 11 ग्राउंड्स के बारे में बात करेंगे. और चार ऐसे ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 13 क्लॉज बी में प्रोवाइडेड है, वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को प्रोवाइडेड है. हस्बैंड उन ग्राउंड्स को एक्सरसाइज करके डिवोर्स फाइल नहीं कर सकेगा. तो जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल है पहले हम उसकी बात करेंगे, उसके बाद वाइफ के बारे में बात करेंगे. तो देखते हैं कौन से ग्राउंड्स हैं. डिवोर्स कैन बी ऑब्टेंड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स. अडल्ट्री सबसे पहले हम देखेंगे. अडल्ट्री व्हेन द अदर पार्टी हैज़ आफ्टर द सॉलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज हैज़ वॉलंटरली सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस. अगर मैरिज को सोलेमनाइज कर दिया जाता है दो व्यक्तियों के बीच में, दो पर्सन्स के बीच में, और उसके बाद सोलेमनाइजेशन के बाद मैरिज परफॉर्म होने के बाद हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक व्यक्ति, कोई एक पर्सन, कोई एक स्पाउस वॉलेंटरली सेक्शुअल इंटरकोर्स किसी अदर पर्सन के साथ करता है तो ये अडल्ट्री कंसिडर किया जाएगा और ये डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा. राइट, आगे देखते हैं क्रुएलिटी. क्रुएलिटी मेंटल और फिजिकल किसी भी नेचर की हो सकती है. और इंजरीज होना, ब्रशेज होना बॉडी पे, मार्क होना, ये ही इम्पॉर्टेंट या सफिशिएंट नहीं होगा. मेंटल क्रुएलिटी भी, जो ज़्यादा डेंजरस नेचर की है, फिजिकल क्रुएलिटी से भी ज़्यादा डेंजरस नेचर की होती है मेंटल क्रुएलिटी. अगर क्रुएलिटी हस्बैंड या वाइफ कोई कर रहा है तो दोनों पार्टीज़ के पास, दोनों में से किसी भी पार्टी के पास ये राइट होगा कि वो डिवोर्स फाइल कर दे, पिटिशन फाइल कर दे. और कोर्ट अगर इस बात को सेटिस्फाई होती है कि एक्चुअली क्रुएलिटी की जा रही थी तो उसके बाद डिवोर्स अलाउ कर दिया जाएगा. नेक्स्ट, डिजर्शन वेयर द अदर पार्टी हैज़ डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर ए कॉन्टिन्यू पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशनर. कोई भी पार्टी मैरिज की अगर कॉन्टिन्यू पीरियड से, जो नॉट लेस देन 2 ईयर्स का है, डिजर्ट कर रखा है, त्याग दिया है किसी पार्टी को, हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने एक दूसरे को त्याग दिया है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तो 2 साल से अधिक बीत चुके हैं और पिटिशन फाइल किया जाता है कि हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने एक दूसरे को डिजर्ट कर रखा है, तो जो ऑपोजिट पार्टी होगी, जो विक्टिम पार्टी है, उसे रिलीफ प्रोवाइड कर सकेगी कोर्ट डिवोर्स अलाउ करके. ऑलराइट, आगे देखते हैं. हमने 3 ग्राउंड्स देख लिए हैं, अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिजर्शन. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी चीज़ें. कन्वर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं. वेयर दी अदर पार्टी हैज सीज टू बी अ हिंदू बाई कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन.
या जब हस्बैंड या वाइफ में से किसी ने अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया है, अब वो नॉन हिंदू हो गया है या नॉन हिंदू हो गई है, पारसीज़ में, ज्यूज़ में या मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, मोहम्मदन बन गए हैं, तो अपोजिट पार्टी के पास ये राइट होगा, वो चाहे तो डाइवोर्स ले ले और साथ नहीं रहना चाहता है, इस बात को कोर्ट को सेटिस्फाई करा दे कि अब वो पार्टी साथ नहीं रहना चाहती है बिकॉज अदर पार्टी ने, अपोजिट पार्टी ने अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लिया है और उनकी मैरिज हिंदू रिलीजन में हुई थी। तो इस बात से भी चाहे एक पार्टी तो डाइवोर्स फाइल कर सकती है, डाइवोर्स अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात कर लेते हैं। वेयर द अदर पार्टी हैज़ बीन इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज़ बीन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड एंड टू सच एन एक्सटेंट दैट द पटिशनर कैन नॉट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रेस्पॉन्डेंट। मेंटल डिसेबिलिटी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वेयर द अदर पार्टी has been incurably of unsound mind, incurable nature का है unsoundness of mind, जो पागलपन है, जो idioticness है, वो incurable nature का है। तो यहाँ पे opposite party को ये right हो जाएगा कि वो divorce file कर सकती है, अगर उसने इस बात से court को satisfy करा दिया है कि जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इनक्योरेबल नेचर का है, क्योर नहीं किया जा सकता, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती, या फिर जो मेंटल डिसऑर्डर है वो इस नेचर का है कि कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है, वो इडियट ही है। इडियट जो होता है वो जन्म से ही इडियट कुछ लोग बने रहते हैं, एक तरह की मेंटल डिसऑर्डर ही है, ये मेंटल इलनेस है, या फिर इंटरमिटेंटली इंटरमीडिएट्स में टाइम के गैप में, सर्टेन टाइम्स के गैप में, या तो कंटिन्यूसली कोई मेंटली डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर, कोई मेंटली इल है, मेंटली अनफिट है, और जो ऑपोजिट पार्टी पेटिशनर है वो अब इस कंडीशन में ऑपोजिट पार्टी के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ अपने नहीं रहना चाहती है इस डिजीज़ की वजह से, तो यहाँ पर भी कोर्ट अलाउ कर देगी पेटिशन फाइल किए जाने पे। ये ग्राउंड होगा डिवोर्स का, इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स दिया जा सकेगा। आपका फिफ्थ ग्राउंड था ये। सिक्स ग्राउंड देख लेते हैं, लेप्रोसी, वेयर द अदर पार्टी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम अ वायलेंट एंड एन इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी इनक्योरेबल नेचर की है, अगर और कोई पार्टी लेप्रोसी से सफ़र कर रही है, वो भी लेप्रोसी है वायलेंट नेचर का, सीवियर नेचर का लेप्रोसी है और इनक्योरेबल फॉर्म है, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता है, तो इस कंडीशन में भी कोर्ट अलाउ कर देगी पार्टी को, पेटिशनर को, कि वो डिवोर्स ले सकेगी, और ये ग्राउंड होगा डिवोर्स का। सेवेंथ पॉइंट, वेंड्रल डिजीज़। वेंड्रल डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हस्बैंड या वाइफ किसी को भी किसी कम्युनिकेबल नेचर का वेंड्रल डिजीज़ है, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, वेयर द अदर पार्टी है सफरिंग फ्रॉम वेंड्रल डिजीज़ इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म। हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी कम्युनिकेबल फॉर्म के डिजीज़ से, वेंड्रल डिजीज़ से, जो कम्युनिकेट हो सकता है, अगर सफ़र कर रही है, इल है वो पार्टी, तो इस कंडीशन में भी डिवोर्स लिया जा सकेगा। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होगा डिवोर्स का। लेकिन जो लेप्रोसी होनी चाहिए वो आपका वायलेंट फॉर्म की होनी चाहिए, सीवियर फॉर्म की होनी चाहिए, इनक्योरेबल नेचर की होनी चाहिए, तब जाके डिवोर्स लिया जा सकेगा। रेनन्सिएशन ऑफ वर्ड, रेनन्सिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। वेयर द अदर पार्टी हैज़ रेनाउंस द वर्ड बाई एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। किसी पार्टी ने, हस्बैंड या वाइफ ने रेनाउंस कर दिया है वर्ड को, संसार का त्याग कर दिया है, साधु संत बन गया है, सेज बन गया है, और अपने घर को छोड़ दिया है, किसी धर्म में एंटर कर गया है, किसी और रिलीजन में एंटर कर गया है, और उसका परिवार से अब कोई लेना देना नहीं है, तो इस कंडीशन में भी हस्बैंड या वाइफ, जो अपोजिट पार्टी होगी, उसे डिवोर्स का ग्राउंड मिल जाएगा और डिवोर्स अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट, नाइन्थ ग्राउंड है प्रेज्यूम्ड डेथ। वेयर द अदर पार्टी हैज़ नॉट बीन हर्ड एट एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर बाय दोज पर्सन हु कॉल्ड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ इट हैड दैट पार्टी बीइंग अलाइव। जो किसी हस्बैंड या वाइफ का कोई नियर रिलेटिव है,
और उसने 7 सालों से पार्टी के बारे में नहीं सुना है कि वो पार्टी जीवित है या मर चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है या वो अभी तक अलाइव है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है कि वो कहाँ है, जीवित है भी या नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। जिनको जनरली पता होता अगर वो अलाइव होता, जीवित होता, तो इस कंडीशन में भी जो हम कह सकते हैं लापता होने की कंडीशन, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वेयर अबाउट्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, तो इस कंडीशन में भी ऑपोजिट पार्टी को ये एक रिलीफ दी गई है, ये ग्राउंड प्रोवाइड किया गया है कि ऑपोजिट पार्टी चाहे तो अपने आप को डाइवोर्स लेके सेपरेट कर सकती है इस कंडीशन में, और फिर वो रिलीजियस ऑब्लिगेशन से बाउंड नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, वेयर देयर हैज़ बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और ऑनवर्ड आफ्टर द पासिंग ऑफ अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन टू विच देवर पार्टीज। अगर जुडिशियल सेपरेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जुडिशियली सेपरेट रहती हैं हस्बैंड वाइफ बिकॉज उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्रुएलिटी थी, अडल्ट्री थी या कोई रीज़न था जिसकी वजह से वो जुडिशियली सेपरेट हो गई थी, कोर्ट में पटिशन फाइल करके, और 1 साल से ज़्यादा का टाइम निकल चुका है और उनके बीच में कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हो पाया है, तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। हस्बैंड या वाइफ कोई एक इनमें से डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकेगा, ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स के लिए। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। फेल्योर टू कॉम्प्लाई विद द डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, वेयर देयर हैज़ बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट बिटवीन द पार्टीज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और ऑनवर्ड आफ्टर पासिंग ऑफ द डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इन अ प्रोसीडिंग टू विच देवर पार्टीज। अगर पार्टीज के बीच में, हस्बैंड या वाइफ के बीच में, स्पाउसेस के बीच में रिजम्पशन नहीं होता है, रेस्टिट्यूशन नहीं होता है कंज्यूगल राइट्स का, दाम्पत्य अधिकारों का, जो हस्बैंड और वाइफ साथ साथ रह रहे होते थे और विदाउट एनी रीजनेबल कॉज हस्बैंड या वाइफ ने अपने आप को किसी हस्बैंड या वाइफ के सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, और कोर्ट ने डिक्री पास की है कि आप साथ रहिए, रेस्टिट्यूट कराइए कंज्यूमर राइट को पेटिशनर के, इसके डिक्री पास करने के बाद भी रेस्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है कंज्यूमर राइट्स का पेटिशनर के, और 1 साल का टाइम बीत चुका है, तो इस कंडीशन में पेटिशनर को राइट मिल जाएगा कि वो सेपरेशन कर ले, डाइवोर्स ले ले, और ये भी एक ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का, कोर्ट डाइवोर्स अलाउ कर दे। 1 साल की टाइम लिमिट दी गई है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, फेल्योर टू नहीं, ये तो हमने देख लिया। हाँ, अब हमने ये 11 ग्राउंड्स देखे हैं जो हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल हैं, जिसमें हमने सबसे पहला देखा अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डिजर्शन, कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट था आपका लेप्रोसी, वेनरल डिजीज़ जो कम्युनिकेबल नेचर का हो, रेनन्सिएशन ऑफ वर्ड के बारे में हमने बात कर ली थी, बाई एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर मैंने बताया था आपको रेनन्सिएशन ऑफ वर्ड होना चाहिए, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ होना चाहिए, 7 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है, और जो 9th पॉइंट था आपका उसमें ये प्रोवाइडेड है, और नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन 10th ग्राउंड आपका दिया गया है, और 11th ग्राउंड में प्रोवाइडेड है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को ये राइट प्रोवाइडेड हैं। ये 11 ग्राउंड जो दिए गए हैं, इसके इन ग्राउंड्स में से किसी के होने पर या एक से ज़्यादा के होने पर डाइवोर्स फाइल किया जा सकेगा, ये ग्राउंड्स अगर हैं तो कोर्ट में पेटिशन फाइल की जा सकेगी डाइवोर्स के लिए। ठीक है, अब एडिशनल ग्राउंड्स टू वाइफ प्रोवाइडेड है, मैंने बताया था सेक्शन 13 क्लॉज 2 में सिर्फ और सिर्फ वाइफ को राइट है, हस्बैंड को नहीं, तो वो क्या ग्राउंड्स हैं जो वाइफ को दिए गए हैं हम देख लेते हैं। द सेक्शन हैज़ फर्दर लेड डाउन एडिशनल ग्राउंड्स अवेलेबल टू द वाइफ फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाई अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ बाइगैमी। In the case of any marriage solemnized before the commencement of this act that the husband has married before such commencement was alive at the time of solemnization of the marriage of the petitioner, provided that in either case the other wife is alive at the time of the presentation of petitioner. ठीक है, तो अगर petitioner
के हस्बैंड ने ये एक्ट एनफोर्स होने से पहले एक और मैरिज कर बायगैमी कर रखी थी, द्विविवाह कर रखा था, और पेटिशन फाइल करने के टाइम पे हस्बैंड की एक और लिविंग स्पाउस जीवित है, अलाइव है, तो वाइफ को ये ग्राउंड मिल जाएगा कि वो डाइवोर्स फाइल कर सके, सेपरेट हो सके अपने हस्बैंड से, ठीक है। तो बायगैमी सिर्फ वाइफ को प्रोवाइडेड है अगर इस तरह की मैरिज की गई थी, 1955 के पहले कोई मैरिज परफॉर्म की गई थी, ठीक है। रेप, सोडोमी, बेस्टालिटी के बारे में देख लेते हैं। सेकंड ग्राउंड है वाइफ को जो प्रोवाइडेड है सेक्शन 13 के क्लॉज 2 में, दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टालिटी, ठीक है। तो अगर हस्बैंड गिल्टी है रेप, सोडोमी और बेस्टालिटी का आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, तो यहाँ भी वाइफ को डाइवोर्स का ग्राउंड मिल जाएगा। रेप, सुडोमी, बेस्टालिटी, कोई अननेचुरल सेक्शुअल ऑफेंस किया जाता है, कोई रेप किया जाता है, हस्बैंड करता है, तो यहाँ वाइफ की डिज़ायर पे डिपेंड करेगा, वो चाहे तो हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दैट इन अ सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और इन अ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अ डिक्री और ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड against the husband awarding maintenance to the wife, and that since the passing of such decree or order cohabitation between the parties has not been resumed for 1 year or upward, ठीक है। तो failure of maintenance की बात की जा रही है कि अगर husband fail हो जाता है decree या order pass होने के बाद भी maintenance के लिए, अगर वाइफ के मेंटेनेंस के लिए डिक्री या ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी या अंडर हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 में, और हस्बैंड मेंटेन नहीं कर रहा है वाइफ को, वो फेल कर जाता है, और ऐसा होते होते एक साल बीत जाते हैं और हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिजम्पशन भी नहीं हो पा रहा है कोहैबिटेशन का, तो इस सिचुएशन में भी वाइफ के पास डाइवोर्स का ग्राउंड हो जाएगा और वो डाइवोर्स ले सकेगी। दैट हर हस्बैंड वॉज सोलेमनाइज्ड बिफोर, नेक्स्ट ग्राउंड देख रहे हैं दैट दी मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड बिफोर शी अटेंड द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड शी हैज़ रेप्यूडिएटेड द मैरिज आफ्टर अटेनिंग दैट एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स। किसी मैरिड वुमेन की जो मैरिज परफॉर्म की गई थी वो 15 ईयर्स के पहले ही कर दी गई थी और उसने अपने मैरिज को कंटिन्यू रखना नहीं चाहा है, और 18 ईयर्स अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी के पहले ही उसने पेटिशन फाइल कर दी है कि क्योंकि उसकी एज 15 ईयर्स के पहले ही परफॉर्म कर दी गई थी और उसकी कंसेंट देने की कैपेसिटी में वो नहीं थी, वाइफ कैपेसिटी में नहीं थी, और फिर भी मैरिज परफॉर्म कर दी गई है और अभी 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं और पेटिशन को फाइल कर दिया गया है डाइवोर्स के लिए, सेपरेशन के लिए, तो इस कंडीशन में भी ये वाइफ को राइट मिल जाएगी। बट हाँ, इस राइट को 18 ईयर्स के पहले ही एक्सरसाइज करना होगा। अगर 18 ईयर्स हो चुके हैं, मेजॉरिटी की एज हो चुकी है, तो फिर यहाँ पे ये राइट वाइफ का ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर सेक्शन 13 बी, बोथ द पार्टीज टू अ मैरिज मे ऑब्टेन डिग्री ऑफ डाइवोर्स टुगेदर वेदर द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द ग्राउंड दैट दे have been living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together and that they have agreed that the marriage should be dissolved. मैंने बताया था आपको कि divorce by mutual consent जो होगा section 13B में provided है, 1976 के amendment से लाया गया, इसे introduce किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि अगर husband और wife दोनों agree हैं divorce लेना चाहते हैं तो वो divorce by mutual consent ले सकते हैं, but इसके लिए conditions हैं कि जो husband है और wife है दोनों को एक साल या एक साल से ज़्यादा सेपरेट रहना होगा, एक दूसरे से साथ साथ नहीं रहना होगा। अगर ये ग्राउंड, अगर ये कंडीशन अवेलेबल है, और साथ ही ये कंडीशन भी अवेलेबल है कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं फ्यूचर में भी, और वो साथ मिलके अपने मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं, ये 3-4 ग्राउंड जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये अवेलेबल है तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो सकता है।
और ये ईजीएस्ट वे होगा डाइवोर्स लेने का। 6 मंथ का जो पीरियड होगा वो बीतने के बाद कूलिंग पीरियड स्टार्ट होगा और कूलिंग पीरियड के बाद डाइवोर्स कोर्ट अलाउ कर देगी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में। ऑलराइट, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपने लेवल पे भी आप लोग ट्राई करिए, बेयर एक्ट को पढ़ने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। उसके बाद जब जूम ऐप में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो और कंसेप्ट आपके क्लियर करूँगी, चीज़ों को मैं अच्छे से समझाऊँगी, आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकेंगे। तो ठीक है, देन बाय बाय एंड टेक केयर।